अमेरिका का आधा कोयला सतही खदानों से सरफेस माइंस जो हैं उनसे आता है और 40% आंतरिक खदानों से अंडरग्राउंड माइंस से आता है। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि सरफेस माइंस क्या होती है और अंडरग्राउंड माइंस क्या होती है। विद्युत उत्पादन में 1947 में कुल जितना अमेरिका का उत्पादन हो रहा था उसका 16% इस्तेमाल हो रहा था और ये बढ़ के 1970 तक 74% हो गया और 1980 में कुल का 80% हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 1947 में अमेरिका में बिजली उत्पादन जो था उसका 16% कोयले से उत्पादित हो रही थी, 1970 में बढ़ के 74% होगी और 1980 में बढ़ के ये 80% होगी बिजली उत्पादन में, कुल कुल जितना कोयला उत्पादित हुआ उसका इस कार्य में प्रयुक्त हो रहा था, मतलब बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है। ये वहाँ की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य है कि कोयले के उपयोग को बिजली उत्पादन में प्रोत्साहित किया जाए। ये अमेरिका की नेशनल पॉलिसी है कि भाई उस कोयला जो है उसके महत्व को बढ़ाया जाए। तभी मैं आपसे ये कह रहा था कि जो परंपरागत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बांध बना के जो चीज़ है उसको 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 इन लोगों ने डिस्करेज किया है, उसको घटाया है। वहीं जो मित्र राष्ट्र का समूह है रूस और उससे जो अलग हुए थे, कोयला आधारित नीतियां उस समय जब पूर्व का सोवियत रूस था तभी कोयला आधारित नीतियां बनाई गई थी। सबसे बड़ी समस्या थी एशिया में स्थित भंडारों को पश्चिम में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों से तक लेके जाना, मतलब जो कोयले के भंडार थे वो एशिया में स्थित थे और उनको पश्चिमी जो उनका भाग था सोवियत रूस का जहां पर उद्योग लगे हुए थे वहां तक उनको लेके जाना, और यहाँ का जो कोयला था वो हमेशा लो क्वालिटी का होता था। फिर भी अगर आप देखें तो जो उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे पूर्व के सोवियत रूस के, आप कह सकते हैं उसमें डॉन बास, कुछ बास, इक्की बत्सु, कारागंडा, काकेश और पिछोरा, ये कुछ उसके क्षेत्र थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताया ये करीब 74% 74% कोयला जो था उसको उत्पादित कर रहे थे। इन क्षेत्रों की खानों का आधुनिकीकरण उस गति से नहीं हुआ जितना बाकी विकसित राष्ट्रों में हुआ सोवियत रूस में। आधुनिकीकरण से मतलब है कि मैनुअल लेबर को घटा के आदमी जो काम जिस काम को आदमी करें उन कामों को मशीनों से करना। तो मशीनीकरण जो था कोयले के उत्खनन में उतनी गति से नहीं हुआ जितना बाकी विकसित राष्ट्रों के अंदर हुआ। यहाँ से भारी मात्रा में कोयले का निर्यात हो रहा था, बार बार भेजा जा रहा था, और बुल्गारिया का 100%, ये ध्यान दें कि निर्यात हो रहा था, और बुल्गारिया का 100%, पूर्वी जर्मनी का 60%, चेकोस्लोवाकिया का 50% और हंगरी का 20% कोयला यहीं से भेजा जा रहा था पूर्व के सोवियत रूस। चीन, अब चीन की बात करें, चीन जो कि 1985 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र था, आज सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभर के आया है। चीन ने अपनी खदानों का पश्चिमी उपकरणों की सहायता से आधुनिकीकरण किया है जिस कारण उत्पादन बढ़ा है। अगर यहां अपन बात करें तो यह है कि जैसे जापान है, एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, और द्वितीय विश्व युद्ध जब उस पर आटम बम और ये सब गिराया गया उसके बाद एक दफा बिल्कुल तहस नहस हो गया था, लेकिन इन लोगों ने खास करके चीन की भी अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो ये सारी डेवलपमेंट पिछले 25-1 साल के अंदर चीन ने की है, कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ तो नहीं है। और जो ये इसकी माइंस थी उनका भी इन्होंने पश्चिमी जो राष्ट्र थे, जो विकसित राष्ट्र थे उनसे तकनीक लेके उन चीज़ों को अपने यहाँ किया, लेकिन क्योंकि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है और सरकार का नियंत्रण पूर्ण रूप से है और जिस तरीके की पॉलिसी बनती है उनको रिलीजियसली उसी तरीके से फॉलो किया जाता है जिस तरीके से सबसे ज़्यादा उनसे फ़ायदा मिले, और यही कारण है कि चीन ने इतना विकास किया और लगातार करता जा रहा है।
ऐसे आकलन है कि आने वाले 5 साल में वो करीब करीब अपनी इकोनॉमी को अमेरिका के बराबर कर लेगा, उससे आगे भी निकल सकता है। तो जो चीन था उसने अपनी खदानों का आधुनिकीकरण किया, जिस कारण उत्पादन उसका बढ़ा। राष्ट्र की 2/3 शक्ति कोयले से उत्पादित हो रही है, बिजली। ज्यादातर कोयले के भंडार उत्तर में स्थित हैं, शांसी एक प्रांत है इसका 1/3 तथा आंतरिक मंगोलिया में 1/4 भाग संचित भंडार। मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में शेंसी, हुयान, होपे, जेचवान, शांतुग और अनवे आदि प्रमुख प्रांत हैं जहां पर कोयले का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में विश्व के सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है और एक अंदाजा है कि 267 बिलियन टन्स के कोयले के भंडार हमारे यहां है। और भारत में शक्ति उत्पादन में जो कोयला है वो तेल के मुकाबले दुगना उसका हिस्सा है शक्ति उत्पादन। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम कोल इन इंडिया इज ट्वाइस दैट ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ऑयल। जो सबसे बड़े प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। भारत में इस तरीके के प्रमाण हैं कि हम लोग जो है कोयले का खनन हमारे यहाँ करीब पिछले 220 वर्षों से हो रहा है। 1974 में एक विगत तक सदी में उत्पादन खराब रहा, लेकिन 1853 में भाप इंजनों की वजह से इसमें मांग बढ़ी। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे ये जो बताया आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो बिहार ये आप तब मान सकते हैं जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो जो ज़्यादा क्षेत्र इसके अंदर थे कोयला उत्पादित करने वाले वो प्रमुख झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, डाल्टनगंज, वहीं पश्चिमी बंगाल में रानीगंज, महाराष्ट्र में बरोरा, यवतमाल, चंद्रपुर, बलारपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय और कई क्षेत्रों में जो है हमारे यहाँ कोयला मिलता है। राजस्थान में भी कुछ जगह खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया में कोयले का उत्पादन होता है। कनाडा की अगर आप बात करें तो नोवास्कोशिया, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, वो फर्नी जो क्षेत्र हैं कनाडा के वो उनमें कोयले का उत्पादन होता है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर आप बात करें तो नॉर्थम्बरलैंड, यॉर्क डर्बी, लंकाशायर, मिडलैंड, कम्बरलैंड, केंटकी, वेल्स, स्कॉटलैंड आदि कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त ये जो ऊपर हमने बात करी, इसके अतिरिक्त जर्मनी, पोलैंड, ब्राज़ील, फ्रांस और चिली आदि देशों का भी कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय स्थान है। 1984 में जो निर्यातक राष्ट्र थे जो कोयले का निर्यात कर रहे थे उनमें प्रमुख ऑस्ट्रेलिया था, ये करीब 25% कोयले का निर्यात कर रहा था विश्व के कुल के प्रतिशत का। अमेरिका 24 कर रहा था, पोलैंड 14%, साउथ अफ्रीका जो है निर्यात, साउथ अफ्रीका जो है वो 13% कर रहा था और जो सोवियत यूनियन है वो 9%, और कनाडा पूरे विश्व के कुल का 8% कोयला जो था उसका निर्यात कर रहा था। वहीं उसी समय अगर सबसे बड़े आयातक राष्ट्रों की बात करी जाए तो जापान था, वो सबसे बड़ा आयातक था कोयले को अपने यहाँ बाहर से लाने वाला, और जितना हो रहा था उसका 28% जो है जितना निर्यात हो रहा था
पूरे विश्व में जितना निर्यात हो रहा था, तो आयात करने में आयात का प्रतिशत जापान का 28% था, फ्रांस का 7%, इटली का 7%, और कनाडा जो था वो विश्व के कुल निर्यात का 7% अपने यहाँ आयात कर रहा था। तो ये मुख्यतः बात थी कोयले के विषय में। यहाँ एक ध्यान देने वाला विषय है, जिस तरीके से ये वीडियो अपलोड करे जाते हैं और हम लोग इसके ऊपर डालते हैं, ये चीज़ें हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मुझे लगता है भूगोल के विद्यार्थी और भूगोल को पढ़ने वाले व्यक्ति के हिसाब से मेरे को जो लगता है, मुझे ये लगता है कि इसमें आपको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है एक विश्व का मानचित्र, जिसमें आप प्रमुख तौर पर ये मार्क कर सकें फ्लोरोसेंट कलर से कि भाई कौन कौन से कोयला निकलने वाले क्षेत्र हैं, और अगर आप उसको अपने जवाब में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगी। उसके अलावा गूगल के ऊपर अगर आप ऑयल प्रोडक्शन की बात करें, तो अगर आप डालेंगे और इफ़ यू हैव स्मार्टफोन आपके पास अगर है और नेट कनेक्टिविटी है, तो आप उसके ऊपर अगर डालेंगे कि कोल प्रोडक्शन वर्ल्ड 2019, तो वो एक टेबल आपको उसके ऊपर मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राष्ट्र अब किस तरीके से इसका उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं जो है ये कोयले से संबंधित जो मेरे पास मैं सामग्री दे सकता था, मैंने वो आपसे शेयर करी। धन्यवाद।